चकरपुर में दिन दहाड़े हुई सीए के ऑफिस से 9 लाख रुपए की लूट। गन पॉइंट पर घटना को दिया गया अंजाम। इलाके में दहशत का माहौल, सीसीटीवी चेक कर रही पुलिस। कृष्णानगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने नदीम नाम के खूंखार अपराधी को पकड़ा। क्राइम ब्रांच की टीम ने जाल बिछाकर दबोचा, ज्योतिनगर हत्याकांड में था शामिल। पूर्व दिल्ली की एटीएस टीम को मिली बड़ी सफलता। कुख्यात ऑटो लिफ्टर को पकड़ा। मास्टर की के साथ पास से चोरी के 5 वाहन किए गए जब्त। वेलकम में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। स्थानीय निवासी की शिकायत पर हटाया गया अतिक्रमण। दोबारा अतिक्रमण करने पर इनके खिलाफ होगी एफआईआर। पूर्वी दिल्ली पुलिस ने ठगी करने वाले को पकड़ा। वकालत की पढ़ाई के बाद 5 साल से कर रहा था ठगी। फ्लैट और कार बेचने के नाम पर लोगों को लगाया लाखों का चूना। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में हुई दिन दहाड़े लूट होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा कि शकरपुर थाना इलाके स्कूल ब्लॉक में पहली मंजिल पर नरेंद्र सुखीजा, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हर रोज की तरह आज भी नरेंद्र अपने ऑफिस पहुंचे और काम में जुट गए। 12 बजे के आसपास 2 अज्ञात शख्स नकाब में आए और नरेंद्र पर बंदूक तान दी और अलमारी में रखे 9 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से आसपास के लोग हैरान हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। करीब 12 बजे के अराउंड हमें एक रॉबरी की पीसीआर कॉल मिली है, जिसमें हमें बताया गया है कि विजेंद्र नाम के एक इंसान है, उन्होंने कॉल की है। इसकी हम इंक्वायरी कर रहे हैं। जो भी फैक्ट्स आएंगे उस इंक्वायरी के बेस पे हम लीगल एक्शन लेंगे और आपको सूचित कर दिया जाएगा। अभी इंक्वायरी चल रही है, तो जैसे ही फैक्ट्स निकल के आएंगे आपको सारा सूचित कर दिया जाएगा। वही मैं बता रहा हूँ, तो अभी मैं आपको ज़्यादा फैक्ट्स बता नहीं पाऊँगा बिकॉज इंक्वायरी इज स्टिल गोइंग ऑन। तो जैसे ही जो भी इंक्वायरी कम्प्लीट होगी उसके हिसाब से जो भी हम कार्रवाई करेंगे उसके अंदर आपको सारी फैक्ट्स डिटेल के अंदर बता दिए जाएंगे। तो वहीं पूर्वी दिल्ली की कृष्णानगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नदीम नाम के खूंखार अपराधी को पकड़ा है। नदीम की उम्र 32 साल है, जो कि ज्योतिनगर हत्याकांड में भी शामिल था। नदीम मछली बेचने का काम करता है। नदीम पर पहले से चोरी, डकैती, स्नैचिंग, मर्डर के 10 मामले दर्ज हैं। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। तो वहीं पूर्वी दिल्ली की एटीएस टीम को एक बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें कि पुलिस ने कुख्यात ऑटो लिफ्टर को पकड़ा है और पास से पुलिस ने इनके पास से 4 मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं और इनके पास से एक मास्टर की भी बरामद की है। ये इलाके में ऑटो लिफ्टिंग की 7 घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने नेतृत्व में आज सामान्य शाखा द्वारा मेंटेनेंस और जन स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ वेलकम थाने की पुलिस बल की सहायता से वेलकम वार्ड संख्या 39 में आम जनता की लंबित शिकायतों के आधार पर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान निगम उपायुक्त अमित कुमार शर्मा, सहायक आयुक्त गौरी शंकर शर्मा और साथ ही प्रशासनिक अधिकारी मोहन कुमार मिश्रा मौके पर मौजूद थे। ये कार्यवाही मुख्य रूप से वेलकम झील के मेन गेट और दीवार से सटकर फुटपाथ पर अनधिकृत रूप से बनाई गई करीब 30 झुग्गियों पर 1 से 2 किलोमीटर तक के दायरे में की गई। आपको बता दें कि झुग्गी वासियों द्वारा किए गए इस स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को 2 बुलडोजर की मदद से हटा दिया गया। अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही के दौरान मौके पर मौजूद निगम उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने कहा कि अब इस क्षेत्र में दोबारा अतिक्रमण ना हो, इसके लिए संबंधित लाइसेंस इंस्पेक्टर को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं और स्थानीय पुलिस को भी अवगत करा दिया गया है और साथ ही लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर को सख्त हिदायत दी गई है। यदि ये लोग भविष्य में दोबारा अतिक्रमण करते हैं तो उनके विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाए। साथ ही निगम उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने शहादरा उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों से कहा कि वो सड़कों पर अतिक्रमण ना करें, क्योंकि इससे लोगों को परेशानी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में अतिक्रमण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। की बारी हुई थी, उसके बाद कोई भी नहीं आई तोड़ फोड़ी, ना हमें नोटिस मिला ना हमें कुछ मिला। सारा सामान हमारा तोड़ दिया और सुबह से हम भूखे नंगे पड़े हैं। हमें कुछ भी नहीं, किसी ने नोटिस तलक नहीं दिया। खंभे के ना लाइट वाइट काटी,
और मगर एक लड़की तो है ना, एक बच्चा था इससे बड़ी लड़की, उसमें बिजली की तार गिरती, उसे बचाई। कितनी फैमिली यहाँ पर रहती थी? यहाँ कम से कम हमारे 10-12 परिवार है। यहीं बैठे रहेंगे चाहे मरेंगे जिएंगे, यहीं बैठे रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे चाहे मरो, बच्चे को भूखों मार काट के यहीं रखेंगे बच्चों को। किसी ने बताया नहीं है कि यहाँ से अपना तुम सामान ले जाओ, ये झुग्गी टूटने वाली है, ये अपना कहीं जगह देख लो, ये वो देख ले, तो ये बेचारे कहीं जगह भी देख लेते। इनकी झुग्गी पे आते देखते बिल्डोस पे बच्चे मर जाते, सो रहे सोते टाइम 10-11 बजे से ये बिल्डोस पे आती है। न गरीब आदमी है ना, इनका जगह जमीन है, कहाँ जाएंगे ये लोग बेचारे। इन्होंने कोई नोटिस दिया नहीं ना, कोई बच्चों को है ना सुबह से है ना जैसे स्कूल गए ना स्कूल से वापिस आने दिए। जो बच्चे आज 11वीं 12वीं में है उनको लेके कहाँ जाए, ये सरकार से पूछे हैं। आज सुबह से है ना ये बुलडोजर लगे पड़े हैं, किसी को नोटिस नहीं दिया, नहीं कोई ये खबर दी है कभी, अपना सामान बाहर निकाल लो। भाई नहीं, वो लेडी सुके पर बुढ़िया के ऊपर भी हाथापाई करी है और लोंडे का भी हाथ तोड़ दिया है और बच्चे पे भी गिरती गिरती। हमने ये कहा बहुत ही सामान हटाने दो हमारा, लेकिन टाइम नहीं दिया उन्होंने, लाठी चार्ज हुई है बहुत ज्यादा। सारा जो हमारी एलआई है पुलिस के सहयोग से पूरा ड्राइव चल रहा है पूरे जोन में, और आगे भी हम लोगों ने पूरा रोस्टर प्लान किया हुआ है, आगे भी 8-10 बड़ी कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। तो हम सारे लोगों से यही कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये पब्लिक लैंड पे रोड पे एनक्रोचमेंट ना करें, और मैंने एनक्रोचमेंट करने के बाद या गिरने के बाद इन सारे मेंटेनेंस विभाग वालों को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि ये सारा मलबा उसी दिन शाम को हट जाना चाहिए, और जो एलआई को इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर ये मलबा या दोबारा से झुग्गी यहाँ पे बनती है तो आप इसके खिलाफ एफआईआर। वकालत की पढ़ाई के बाद कारोबार शुरू किया, लाखों रुपए का घाटा हुआ तो ठगी का धंधा शुरू कर दिया। पिछले 5 सालों से वे पुलिस को चकमा देकर ठगी कर रहा था, लेकिन अब आरोपितों को भी पूर्व जिले के स्पेशल स्टाफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान विशाल कौशिक के रूप में हुई है। पहली बार आरोपित पुलिस के शिकंजे में आया था। आपको बता दें कि जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कल्याणपुरी इलाके में एक व्यक्ति ने विशाल कौशिक नाम के व्यक्ति के खिलाफ 10 लाख रुपए की ठगी की शिकायत दी थी। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि आरोपित ने कार बेचने के नाम पर उसे ठगी की है। पटपड़गंज इलाके में एक बुजुर्ग से फ्लैट बेचने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी हुई थी। रकम देने के बाद पीड़ित को पता चला कि फ्लैट तो बैंक के पास गिरवी है। पीड़ित ने जब आरोपित से अपने रुपए वापस मांगे तो आरोपित ने मामला निपटाने के लिए उन्हें 29 लाख रुपए का चेक दे दिया। पीड़ित जब उन चेक को लेकर बैंक गया तो सभी चेक बाउंस हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पांडवनगर थाने में धोखाधड़ी की धारा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। साथ ही जगतपुरी में भी फ्लैट बेचने के नाम पर 40 लाख रुपए की ठगी हुई है। इसी तरह से कई और लोगों के साथ ठगी हुई थी। एसीपी ऑपरेशन पंकज अरोड़ा के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी और एएसआई शैलेंद्र और नीरज की टीम बनाई गई। जांच के दौरान टीम को पता चला कि ठगी को आरोपित अपने ठिकाना बदल देते थे और पीड़ितों के पास से आरोपित के जो मोबाइल नंबर मिले हैं वे बंद हैं। बैंक खातों की जांच की जा रही है और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पुलिस आरोपित की तलाश करते हुए गाजियाबाद की एक सोसाइटी पहुंची, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को पूछताछ में आरोपित ने बताया कि कुछ साल पहले उसने परपरगंज में 8 फ्लैट बनाए थे जिसमें से उसे लाखों रुपए का घाटा हो गया था। त्योहारी मौसम में दिल्ली वालों को सीलिंग से राहत मिलने जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम और डीडीएस की स्पेशल टास्क फोर्स ने 1 अक्टूबर से राजधानी की ऐसी लगभग 2000 दुकानों और आवासीय संपत्तियों को सील खोलने की योजना बनाई है जिनकी सीलिंग में निगरानी समिति का दखल नहीं था। ये सभी संपत्ति 2019 से पहले सील की गई थी। आपको बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली के निगम क्षेत्रों में लगभग 9000 संपत्तियां मौजूदा समय में सील हैं। 1 अक्टूबर से जो संपत्तियां डिसील होंगी उनमें से ज्यादातर कच्ची कॉलोनियों के रिहायशी इलाकों में हैं। साथ ही इनके व्यवसायिक और औद्योगिक कार्य किए जा रहे हैं। इन संपत्तियों के मालिकों से निगम अधिकारी एक हलफनामा ले रहा है जिसमें से आने वाले दिनों में उक्त संपत्ति में व्यवसायिक और औद्योगिक कार्य फिर नहीं करने की बात कही जा रही। अगर ऐसा किया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही और जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह हलफनामा खासकर उन लोगों के लिए दिया जा रहा है जिनकी संपत्तियां रिहायशी इलाकों में हैं। सूत्रों के मुताबिक लगभग 2000 से अधिक संपत्ति धारक हलफनामा दे चुके हैं। 2018 में बड़ी संख्या में ऐसी प्रॉपर्टी को सील किया गया था जो कि रिहायशी क्षेत्र में व्यवसाय चला रही थी, रिहायशी क्षेत्र में फैक्ट्री चला रही थी। उन सभी फैक्ट्रियों वाले मालिकों के लिए बहुत खुशखबरी है, दिल्ली नगर निगम ने ऐसी सभी फैक्ट्रियों को डीसील करने का फैसला लिया है। जो डीसील होने वाली प्रॉपर्टी है उसमें अधिकतर जमुना पास से है।
खजूरी खास है, रघुपुरा है, आजाद नगर है, अजीत नगर है, ऐसे तमाम इलाके हैं जहां के प्रॉपर्टी डिसील होने वाली है। मैं सभी संपत्ति मालिक से कहूंगा कि वे इसके लिए एप्लीकेशन लगा दें। एक सुनहरा मौका आप सबको मिला है और अपनी सभी प्रॉपर्टी डिसील करवाएं, उस प्रॉपर्टी का सही उपयोग करें। जब आप डीसी के लिए एप्लीकेशन देंगे तो आपको एक हल्फनामा देना पड़ेगा, एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि मैं इस ज़मीन पे कोई भी फैक्ट्री या व्यवसायिक काम नहीं करूँगा, जो चीज़ यहाँ पे अलाउ नहीं होगी उस काम को बिल्कुल नहीं करूँगा, तभी आपकी प्रॉपर्टी डीसी होगी। और यदि भविष्य में यदि आप काम करते पाए गए तो पुनः सील हो जाएगी। दिल्ली सरकार जल्द ही चांदनी चौक की सांस्कृतिक विरासत को बहाल करने जा रही है, जिसके लिए दूसरे चरण की शुरुआत जल्द ही होगी। इस फेज में चांदनी चौक की इमारतों के इतिहास को संरक्षित कर नया स्वरूप शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पीडब्ल्यूडी और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, साथ ही पहले फेज का काम साल 2021 में पूरा किया जा चुका है। अभी पहले दौर का ही कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ। आज से 14 साल पूर्व जब इसकी योजना बनी थी तब ये कहा गया था चांदनी चौक के जितने भी कटरे पूछे गलियां हैं उनको भी चांदनी चौक की सड़क से 20 मीटर अंदर तक डेवलपमेंट किया जाएगा। अभी ये काम अधूरा है, केवल 20 मीटर तक कुछ सड़कें की गई हैं जो क्रॉस दी रोड है, जैसे गरीबा है, नई सड़क है, केदारनाथ मार्ग है, शांति देसाई मार्ग है, परंतु जो 64 कटरे हैं जहाँ हज़ारों की संख्या में कपड़े की दुकानें हैं, हीरे जवाहरात की दुकानें हैं, फोटोशॉप्स हैं, वो डेवलप नहीं किए गए हैं। अभी तो वही काम अधूरा है। अब इन्होंने नया सेकंड फेज़ की बात की है। सेकंड फेज में ये बात कर रहे हैं कि हम जो ऐतिहासिक बिल्डिंगें हैं उनको डेवलप करेंगे। अब जैसे छुन्नामल की हवेली है या जैन समाज की बारादरी है या जितने भी हमारे सेंट्रल बैंक है, जो ऐतिहासिक सैकड़ों साल पुरानी जगह है, पर ये केवल चांदनी चौक में नहीं है। चांदनी चौक के आसपास मालीवाड़े में, जोगीवाड़े में, साइकिल मार्केट पे ऐसे ऐतिहासिक बिल्डिंगें हैं जहाँ डेवलप किया जा सकता है। चांदनी चौक का निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि पहले दौर की वो नहीं हुई है, काफ़ी काम अधूरा है और नए काम पर कार्यवाही चालू हो गई है। इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि देश की पूरी वितरण व्यवस्था डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चांदनी चौक से ही गवर्न होता है और जितना बड़ा व्यापार चांदनी चौक में है उस सारे को भी हमें ध्यान में रखते हुए कि व्यापार भी खराब ना हो, व्यापार को भी कोई इफेक्ट ना आए और जो टूरिज्म के लिहाज से और उस हिसाब से, क्योंकि हमारी ऐतिहासिक धरोहर भी चांदनी चौक है, उन दोनों का तालमेल बना के इस कार्य को मैं समझता हूँ आगे करना चाहिए। दिल्ली में इन दिनों मौसम के बदलते रुख के लोग काफी परेशान हैं। वायरल फीवर के अलावा डेंगू, H1 और हैंड फुट माउथ से लोग काफी परेशान हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीज डेंगू के मिल रहे हैं। मैक्स के इंटरनल मेडिसिन विभाग के एक्सपर्ट डॉक्टर रोमेल टिकू ने बताया कि वायरल और स्वाइन फ्लू के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। फिलहाल कुछ मरीजों को भी एडमिट करने की बारी आती है, ज्यादातर मरीजों को ओपीडी से ही इलाज चल रहा है। पीछे बारिश हुई, फिर 5-7 दिन खाली निकल गए, टेम्परेचर कम हो गया मौसम का, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ गई, तो उस नाते वायरस का बढ़ना, वायरस बीमारियों का घर घर होना ये लाजमी था। और अभी भी आप किसी भी अस्पताल की ओपीडी में जाएं तो वहाँ पर अधिकतर मरीजों की संख्या वायरल बीमारियों की वजह से है। गला ख़राब होना, छींकें आना, बुखार होना, घबराहट होना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कई बार कुछ वायरल बीमारियों के अंदर निमोनिया आदि बीमारियां होने की भी संभावना रहती है, तो उसमें मरीज़ को दाखिल तक करना पड़ता है। पैनिक की स्थिति नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इट्स ए कॉज फॉर कंसर्न। हमें सबको ध्यान रखना चाहिए कि अपने खान पान के ऊपर, गर्म सर्द ना हो, वायरल इन्फेक्शन घर में अगर किसी को है तो उसका प्रॉपर जो है ध्यान रखा जाए। दोस्तों, दिल्ली में जैसे जैसे मौसम बदलता जा रहा है वैसे वैसे कई बीमारियां दिल्ली में अपना दस्तक दे रही हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफॉइड, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़।
इस तरह की बीमारियां जो हैं वायरल फीवर के साथ मिलके बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रही हैं और कई घरों में जो है वो लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें। हम अपने घरों के आसपास जो है कूड़ा करकट ना जमा होने दें, कहीं पे जो है वो पानी को ना रुकने दें। हम जब भी पानी पिएं तो स्वच्छ पानी पिएं और हम जो है थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें, मास्क अगर पहन के रखें तो बहुत। तो वहीं पूर्वी दिल्ली में जगह जगह अवैध कब्जे से लोग आए दिन परेशान रहते हैं। अवैध कब्जों की वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है। जगह जगह जाम की स्थिति भी देखने को मिलती है, तो कहीं कहीं लोगों को सड़क से ही गुजरना पड़ता है और जिसमें उनको काफ़ी मुश्किलें आती हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि फुटपाथ पर ही लोगों ने अपनी दुकानें लगा रखी हैं। यहाँ पर फर्नीचर की मार्केट भी है जिसे खरीदारी करने आने वाले लोग अपनी गाड़ियों को सड़कों पर ही पार्क कर देते हैं, लेकिन MCD इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। झील मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा तो ये है कि बहुत ज़्यादा जाम रहता है। अगर 10 मिनट का रास्ता क्रॉस करना हो तो कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटे चाहिए, उसको निकलने में बड़ी परेशानी होती है। उसका कारण ये है कि सारे साइडों में कवरिंग जो है या तो कवरिंग की हुई है या ठेली पटरी लगी हुई है। पटरी इतनी लगी हुई है कि उनको समझाने के बाद भी कहने के बावजूद भी कहते हैं कि थोड़ा साइड में कर लो, तो वो अपना सामान उठाने को तैयार नहीं है। और गड़े वाले मटके वाले बैठे हैं इधर, जो है मंगल बाजार सोम बाजार लग जाता है, और वहाँ पे जो नीचे ज़मीन पे पटरी लगा के बैठे हैं वो भी अपना ऐसे बैठते हैं अपना अधिकार समझ करके। मेनली तो ये होता है कि जब भी हम लोग जाते हैं वहाँ पे तो बहुत सारा इंक्रोचमेंट हो रखा है, अलग अलग शॉप्स के द्वारा अलग अलग लोग यूज़ करते हैं, काइंड ऑफ पार्किंग भी इलीगल है वहाँ पे, तो मतलब एक तरह से बहुत दिक्कत होती है। हमेशा मोस्ट ऑफ टाइम जाम की समस्या मिलती है वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है डेली बेसिस पे। हमें सुनने में तो आता है बट जो ग्राउंड पे चीज़ें दिखती नहीं कि MCD कुछ ऐसा काम करी जिसके वजह से वहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट हटा दिया जा सके। कुछ तो विजिबल नहीं है वहाँ पे, बहुत टाइम हो गया अब तक। वजह ट्रैफिक है हर जगह, या जो कि ना विदाउट परमिशन के जो लोग बैठे हुए हैं, पटरी वाले बैठे हैं या गाड़ियाँ खड़ी करके बैठते हैं। फुटपाथ उधर मेला कॉलोनी सामने मार्केट है, मार्केट के साथ फुटपाथ मिला हुआ है, मगर फिर भी इधर गाड़ियाँ पार्क होती हैं, इधर सामने वो मटके वाले वगैरह लोग बैठे हुए हैं, तो उनकी वजह से बुधवार के दिन तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। एक्चुअली वो महिला कॉलोनी कहलाता है जहाँ पे 3 स्कूल भी हैं, और वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट है बहुत अच्छे लेवल के ऊपर हुई पड़ी है। MCD को हमने कई बार कंप्लेंट भी करी इसके ऊपर, पर शायद अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं। यहाँ पर मटके वाले हैं, फिर यहाँ पर साइड पर रिक्शे खड़े हो जाते हैं, कारें खड़ी हो जाती हैं, और मार्केट वो मेन रोड है जो मार्केट के गांधीनगर को जाके जोड़ दिया, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है इंक्रोचमेंट को लेकर। पर MCD है जो बहुत कंप्लेंट करने के बाद भी पता नहीं क्या सेटिंग है वहाँ पर, ये हमें भी नहीं समझ आती क्या सेटिंग है। वो पूरा जो फुटपाथ है वो पूरा इंक्रोच हुआ पड़ा है। स्कूल ने भी कई बार कंप्लेंट करी है इसके ऊपर, उन्होंने आगे कई जगह MCD में कंप्लेंट करी है, डिप्टी डायरेक्टर को भी कंप्लेंट करी है और साथ साथ DC को भी कंप्लेंट करी, पर कोई एक्शन हो नहीं पाया। विकास मार्ग पर काफी लंबे समय से सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, लेकिन इस मार्ग पर सौंदर्यीकरण होने के बजाय गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बात करें अगर लक्ष्मी नगर की तो यहाँ पर भी कूड़े का अंबार, जानवरों का झुंड भी देखने को मिलता है, जिसे यहाँ से निकलने वाले लोग काफी परेशान हैं। गलियों से कूड़ा उठाने वाले भी कूड़ा यहीं पर डाल देते हैं, जिससे गंदगी और बदबू में लोगों का जीना भी दूभर हो रहा है, लेकिन विभाग आंखें मूंद कर बैठी हुई है। हमारी ब्यूटी खत्म हो गई है, शायद अगले जन्म में हमें ब्यूटी देखने को मिलेगी इसकी, और उस ऊपर से ये गंदगियों के ढेर और लग गए हैं। MCD की योजना थी तालाब घरों को जगह जगह से ख़त्म करने के बाद के कॉर्नर्स पर ये बड़े बड़े आप ये देख रहे हैं कंटेनर से, इनको इनके अंदर कूड़ा जाएगा, लेकिन इसका मिसयूज करके जो घरों से कूड़ा ये कूड़े वाले उठा उठा के लाते हैं, इसको विकास मार्ग पर ऐसे ही डाल देते हैं। आप देख सकते हैं बदबू कितनी बुरी तरह फैल रही है, और इसके साथ साथ अभी आपको ये दिखाई दे रहा है यूरिनल का भी यूज करते हैं, एक तरह से ओपन यूरिनल पेशाब करते हैं लोग यहाँ पे। देखिए जी, घर वाले तो कंटेनर में डाल के जाते हैं कंटेनर, क्योंकि उनका कहा ही गया है कि कंटेनर में डाल, लेकिन ये कूड़ा घर घर से कूड़ा जो लेके आते हैं ना रिक्शों में, जिन्होंने ये कॉन्टैक्ट ले रखे हैं लोगों से, पैसा लेके लेते हैं, वो इसको ओपनली नीचे ही डाल जाते हैं, जिसकी वजह से गंदगी पूरे में फैल जाती है। अभी तो कम है, ये आधा रोड आपको गंदगी से भरा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे जी बहुत गंदगी फैला रखी लोगों ने, यहाँ पे कूड़े वाले जो है अपने घर से पैसा लेते हैं और कूड़ा यहाँ डाल जाते हैं, जिससे आम आदमी को भी नागरिक होती है, चलने वाले को भी नागरिक होती है। कहाँ पे डाल देते हैं कूड़ा ये सारा? ये विकास मार्ग है जी, हमारा लक्ष्मीनगर का विकास मार्ग मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे ही है, लेकिन यहाँ पे मतलब कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, 3 दिन तक यहाँ कूड़ा पड़ा रहता है, कोई उठाने वाला नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे दुकानदारों की तो बात छोड़ो, आप यहाँ से एक बार निकल जाओगे तो परेशान हो, इतने स्मेल है कि जिस तरह आज हम लोग सोचते हैं सफाई या स्वास्थ्य अभियान या जो भी लेके चल रहे हैं उसमें समझ लो बहुत बड़ा धब्बा है भैया। मैं ऑन रोड बिल्कुल मेट्रो के नीचे,
अरबों रुपए का खर्च करके मेट्रो और वो बनी हुई सड़कें बढ़िया महक बेहतरीन गाड़ियाँ आती हैं, लोग निकलते हैं, लेकिन कूड़े की शक्ल देख लो, स्मेल देख लो, आप खड़े नहीं हो सकते 10 मिनट। मतलब मैं क्या, मतलब जो भी जिससे भी पूछोगे यही बात बताएगा, कूड़े की वजह से तो सबको परेशानी है। देखो एक तो रोड पर खड़ा हुआ है, अगर कोई बंदा उधर से आ रहा है पैदल चलने वाला तो इतना लंबा कट मारेगा, सामने से बस और ट्रैफिक, भारी ट्रैफिक आता है, ठीक है, बदबू, स्मेल, सड़ान, लोग रोज उठाते हैं, ये एमसीडी वाले उठाते होंगे, रोज ही उठाते हैं, लेकिन भाई कूड़ा तो कूड़ा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN Live।